राफेल डील को लेकर देश में मचे घमासान के बाद कांग्रेस का एक और झूठ सामने आया है। जिस तरह से विपक्ष राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेर रही है और आरोप लगा रही है कि फ्रांस के साथ समझौते में भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के साथ समझौता ना करा के अनिल अंबानी की कंपनी से समझौता करा दिया, जबकि अनिल अंबानी की कंपनी का इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, तो राहुल गांधी के झूठ का जवाब दिया है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नए चीफ आर माधवन ने। उन्होंने क्या कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री पर कांग्रेस अध्यक्ष काफी दिनों से हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और न जाने क्या क्या प्रधानमंत्री को कहकर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर अपने हालिया बयान में चोर तक कह डाला। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया है, जिसका इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। वहीं राहुल गांधी के झूठ के गुब्बारे को फोड़ते हुए HAL के चीफ आर माधवन ने जवाब दिया है। आर माधवन ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि हम ठेका हासिल करने की दावेदारी में शामिल ही नहीं थे, तो ठेका हमें कैसे मिलता। आर माधवन ने आगे कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का काम एयरक्राफ्ट बनाना है, कंपनी ऑफसेट बिजनेस में नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्रोडक्शन ऑफसेट से बिल्कुल अलग काम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चीफ आर माधवन की बात से कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे बड़े झूठ का पता चलता है कि एक झूठ के बुनियाद पर राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को चोर, झूठा और न जाने क्या क्या कहकर संबोधित किया। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चीफ की बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार ने फ्रांस की हथियार बनाने की कंपनी के साथ कोई डील नहीं किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बयान से राहुल गांधी और कांग्रेस का सबसे बड़ा झूठ देश के सामने आ गया है और ये साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई गलत काम नहीं किया और राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं।